हेलो फ्रेंड्स, आपका द पॉलिटेक्निक क्लास सेशन स्वागत है। जैसा कि हम लोग टेलीविज़न इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और टेलीविज़न इंजीनियरिंग में हम लोगों ने इससे पहले यूनिट नंबर 7 कंप्लीट किया था। यूनिट नंबर 7 था हमारा स्पेशल सर्किट, जिसमें सीसीटीवी और केबल टीवी के बारे में पढ़ना था। और उसके साथ साथ उस वाले यूनिट में एक टॉपिक था क्या, VCR एंड VCP मोनिटर के बारे में, जिसको मैं छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूं, तो इसको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग लास्ट में देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी इसलिए मैं कम दे रहा हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? तो आप लोग घबराइएगा नहीं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे क्या, यूनिट नंबर 8, सबसे लास्ट यूनिट में क्या है। तो सबसे लास्ट यूनिट है हमारा रिसीवर सर्विसिंग, इसी की चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 8 की। देखिए, कोई भी टीवी है या टीवी रिसीवर है, तो उस टीवी रिसीवर को हम लोग क्या करते हैं, समय समय पे हमको उसमें कोई ना कोई खराबी आ जाती है, तो उस खराबी को क्या करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, और उसको बाद उसको क्या करते हैं, उसको दूर करने का मतलब कि प्रयास करते हैं, और ताकि वो फिर से जैसे चल रहा था उस तरह से चलने लगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेलीविजन सर्विसिंग। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक में देखते हैं कोई दिक्कत है या फिर नया बाइक लिए हैं, तो समय समय पे क्या करते हैं, उसको ले जाके सर्विसिंग करवाते हैं, ताकि वो रेगुलर उसी मोशन में चलते रहे जिस मोशन में स्टार्टिंग टाइम में चल रहे थे। सेम टू सेम उसी तरह से हमारा टेलीविजन जो आपका टेलीविजन रिसीवर है जो आपके घर में है, उसको भी समय समय पर रिसीवर सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए उसको हम लोग कहाँ लेके जाते हैं, तो टेलीविजन मैकेनिक के पास लेकर के जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये टेलीविजन सर्विसिंग में क्या है, कैसे होता है, और इसके बारे में हम लोग समझते हैं।